दल बदलू चमगादड़। एक जंगल में पशु पक्षी साथ मिलकर रहा करते थे। एक दिन जानवरों और पक्षियों के बीच में झगड़ा हो गया। सभी पक्षी जानवरों को तंग करने लगे और उन पर अपनी चोंचें मारने लगे। जानवर उन्हें अपने तेज पंजों से प्रहार करने लगे। ये कौवा बहुत खराब है और हर समय चोंच मारता रहता है। हमें इन जानवरों से बचने की जरूरत है। अपने पंजों से मार गिरा देते हैं इन्हें। दोनों के बीच झगड़ा काफी समय तक चलता रहा। इन दोनों दलों के बीच घमासान युद्ध छिड़ता रहता। दोनों के बीच चमगादड़ फंस चुके थे। हम पक्षियों की तरह हैं, उड़ सकते हैं और हम अंडे नहीं देते, इसीलिए हम जानवर भी हैं। मगर ये क्या, ये दोनों तो लड़ाई कर रहे हैं, हमें किनके साथ होना चाहिए? पक्षियों और जानवरों के बीच फंसे होने के कारण जो भी झगड़े में जीतता, चमगादड़ उसी की तरफ हो जाते। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन जब झगड़े के खत्म होने का ऐलान हुआ, हम कितने समय से तुम्हें इस तरह से सता रहे हैं, चलो झगड़े को खत्म करते हैं। हाँ हाँ, झगड़ा खत्म कर देना चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। हमें अब अच्छे से जंगल में एक साथ मिलकर रहना होगा। लेकिन चमगादड़ कहाँ है, हमारी तरफ या तुम जानवरों की तरफ? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चमगादड़ों को ईमानदार ना होने के कारण जंगल से बाहर निकाल दिया गया। उनकी चालाकी सबको समझ में आ चुकी थी। तभी चमगादड़ आज भी अंधेरे में रहते हैं और तभी निकलते हैं जब सभी जानवर और पक्षी अपने अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। कछुआ और मोती। एक समय की बात है, एक मोर बारिश में नाच रहा था। एक कछुआ पास ही से गुजर रहा था। मोर को नाचता देख वो बहुत खुश हुआ। मोर के सुंदर पंखों को देख उसको बहुत अच्छा लगा। खरगोश ने कहा, वाह कितना सुंदर है ये मोर, इसके सुंदर पंख कितने रंगीन हैं। कछुआ मोर के पास जाता है और उसके पंखों की तारीफ करता है। मोर भाई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं और आप नाचते भी बहुत अच्छा हैं। मोर ने कहा, शुक्रिया शुक्रिया कछुआ भाई, आप भी बहुत अच्छे हैं। मोर कछुए के द्वारा की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एक शिकारी मोर को अपने जाल में फंसा लेता है। बहुत दिनों से तुम मेरी नजर में थे, आज फंसाया, मजा आ गया, मेरे जाल से अब बचकर कहां जाओगे? तभी मोर ने कुछ सोचकर शिकारी से कहा, सुनो शिकारी जी, मुझे मेरे कछुए दोस्त से एक बार मिलवा दो, फिर मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार मुझे उससे मिलना है। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूँ? हाँ, मोर जोर जोर से अपने दोस्त कछुए को आवाज लगाता है। कछुए मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ। कछुआ मोर की आवाज सुन उसे ढूंढता हुआ शिकारी के पास पहुंच जाता है और मोर को जाल में देखकर हैरान रह जाता है। शिकारी, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत कीमती मोती दूंगा। शिकारी कछुए की बात मान गया। कछुआ नदी में गया और वहाँ से एक खूबसूरत मोती लेकर आया और शिकारी को दे दिया। शिकारी ने मोती के बदले उसके दोस्त को छोड़ दिया। दोनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद वो शिकारी जंगल में वापस आया और कछुए से बोला, हे कछुए, मुझे ऐसा एक और मोती चाहिए, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त मोर को पकड़ कर ले जाऊंगा। हाँ, कछुआ समझ गया कि शिकारी अब लालची बन गया है। कछुए ने चालाकी से कहा, शिकारी जी, आपको मुझे अपना मोती देना होगा ताकि मैं बिल्कुल ऐसा ही मोती आपके लिए ला सकूं। शिकारी ने मोती कछुए को दे दिया
और कछुआ नदी में दूर मोती लेकर चला गया और वापस कभी नहीं आया। मोर भी उड़कर सुरक्षित जगह चला गया। लालच के कारण शिकारी के पास जो मोती था उसने उससे भी हाथ धो दिया। एक जंगल में एक हिरन का जन्म हुआ था। वह हिरन बहुत खूबसूरत था। उसका सुनहरा शरीर और सुंदर भूरे कान थे। सभी जानवर उस हिरन को देखते रह जाते थे। एक दिन मोनू खरगोश का भी हिरन से मिलने का मन किया। मैं जल्द ही उस प्यारे हिरन से मिलना चाहता हूँ। कितना सुंदर होगा वो, आह मुझसे तो इंतजार नहीं होता। मोनू जल्दी ही हिरन से मिलने गया। मोनू उसे देख बहुत खुश हुआ और हिरन भी मोनू को देखकर हंसने लगा। यह देख हिरन की माँ ने कहा, लगता है तुम इसे बहुत पसंद आए हो, तुम्हारी तो दोस्ती हो गई। मोनू बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे हिरन बड़ा होने लगा और मोनू के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मोनू हिरन से बड़ा था, इसीलिए उसे जंगल के नियम सिखाया करता था। एक दिन खेलते वक्त हिरन को एक मरा हुआ जानवर दिखाई दिया और वो रोने लगा। मोनू ये बेचारा जानवर देखो ना। मेरे दोस्त, ये जंगल और प्रकृति का नियम है, हर जानवर एक ना एक दिन मर जाता है। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। चलते चलते हिरन को एक गुफा दिखाई देती है। मोनू भैया, ये इतनी बड़ी गुफा किसकी है? ये हमारे राजा शेर की गुफा है। वो बहुत महान है, वो पूरे जंगल को संभालते हैं। लेकिन उन्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं, तो चलो आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे बाप रे, तो चलो चलते हैं। ऐसा कहकर हिरन और मोनू वहाँ से चले जाते हैं। हिरन और मोनू रोज इसी तरह खेलते और पूरे जंगल की सैर करते। मोनू हिरन को नियम सिखाता। एक दिन जब वो दोनों शेर की गुफा के पास खेल रहे थे, तभी हिरन को एक जोर की आवाज सुनाई दी। अरे नहीं, ये क्या था? ये तो शिकारी है, शिकारी से हमेशा दूर रहना चाहिए। वे दोनों भागते हैं, लेकिन शिकारी उन्हें घेर लेता है। आहा, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे दोनों? अपनी गुफा के बाहर शोर सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से दहाड़ लगाता है। पर शेर को देखकर शिकारी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और मौका देखकर मोनू और हिरन भी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक दिन चीकू खरगोश अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा था। उसे बहुत गर्मी लगी, सूरज की किरणें तेज थी। चीकू चलता चलता थक गया। उफ, इतनी गर्मी है, आज प्यास लग रही है। चीकू गर्मी से तंग आ गया था। कुछ कदम और चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर पेड़ के छांव में बैठ जाता हूँ, पार्टी शुरू होने में तो अभी बहुत देर है। चीकू पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक उसकी आंख लग गई। तभी अचानक उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी, मानो कुछ हिल रहा हो। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसने बादलों की तरफ देखा। सूरज सीधा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान में छेद हो गया हो। अरे ये क्या, लगता है आसमान फट गया है, बचाओ बचाओ। चीकू तेजी से भागा। चीकू को घबराता हुआ भागता हुआ देखकर एक छोटे चूहे ने पूछा, हैं क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चीकू ने चूहे से कहा, अरे आसमान गिर रहा है, चलो जान बचाओ, अपनी जान बचानी है तो भागो भागो। चूहा और चीकू भागने लगे। तभी उनकी नजर बिल्ली पर गई। बिल्ली ने जब उन्हें देखा, अरे तुम दोनों यूं भाग क्यों रहे हो, क्या बात है? चीकू ने बिल्ली से भी कहा, अरे बिल्ली रानी, अपनी जान बचानी है तो भागो, आसमान फट गया है, जल्दी करो। बिल्ली भी उन दोनों के साथ भागने लगी। ऐसा करते करते जंगल के कई सारे जानवर खरगोश के पीछे पीछे भागने लगे। शेर ने सभी जानवरों को भागते देखा, हैरान रह गया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो तुम सब?
चीकू शेर के पास गया और आसमान टूटने वाली बात कहने लगा। शेर महाराज, आप महान हैं, लेकिन आसमान गिर रहा है। अजी आसमान में छेद हो चुका है, बहुत जल्द वो गिर जाएगा। आप भी जान बचाकर हमारे साथ भागिए, जल्दी भागिए। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुम उस जगह पे ले जाओ, ठीक है? चीकू डर गया और शेर को उस पेड़ के पास ले गया। शेर हंसने लगा और कहा, अरे बेवकूफ, ये आम का पेड़ है और यहाँ कोई आसमान नहीं, बस एक बड़ा सा आम गिरा है जिसकी वजह से तुम इतना डर गए। और वो देखो, सूरज में जरा से बादल आ गए हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वहाँ छेद हो चुका है। ऐसा नहीं है मूर्ख। चीकू और बाकी सभी जानवरों को अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदगी हुई।